Hey guys, welcome back to my channel Travel with Tejasvi. आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स दिखाने लेके जाने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस पर जिसका नाम है नेहरू साइंस सेंटर। ये मुंबई में है एंड ये महालक्ष्मी स्टेशन से, लोअर परेल स्टेशन से कुछ ही डिस्टेंस पर है, तो आप यहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन से जा सकते हो। इफ आप ट्रेन से जाते हो महालक्ष्मी स्टेशन उतर कर, आप वहाँ से वॉकिंग भी जा सकते हो और आप वहाँ से टैक्सी करके भी जा सकते हो और आप आपका प्राइवेट व्हीकल भी लेके जा सकते हो। यहाँ पर अंदर पार्किंग के चार्जेस है 30 rupees फॉर 2-wheeler एंड 50 rupees फॉर 4-wheeler। नेहरू साइंस सेंटर का टाइमिंग है 9:30 AM टू 6 PM, तो चलो अब चलते हैं इसके अंदर। अंदर एंटर करते ही लेफ्ट में इसका टिकट काउंटर है। यहाँ पर अंदर एंटर करने के लिए टिकट के अलग अलग पैकेजेस है, तो ये आप ध्यान से सुनना। जनरल टिकट टू साइंस सेंटर है 70 rupees पर पर्सन, और इफ आप पैकेज लेते हो साइंस सेंटर एंड साइंस ओडिसी का तो उसका कॉस्ट है 130 rupees पर पर्सन। देन दूसरा पैकेज है साइंस सेंटर 3D शो एंड SOS, उसका कॉस्ट है 100 rupees पर पर्सन। और इफ आप फुल पैकेज लेना चाहते हो जिसमें साइंस सेंटर, ओडिसी, 3D शो, SOS, मोशन सिमुलेटर ये सब आता है, तो उसका फैमिली पैकेज है 4 members का है एंड उसका कॉस्ट है 600 rupees। ये 4-person ग्रुप वाला जो पैकेज है, जो फुल पैकेज है, वो मुझे सबसे बेस्ट लगा बिकॉज इसमें सारे एक्टिविटीज जो है वो इंक्लूडेड है। अगर आप दूसरा पैकेज लेते हो जिसमें 2 activities है एंड आप और एक्टिविटीज करना चाहते हो तो सिंगल एक्टिविटीज के भी अलग अलग कॉस्ट है, आपको उसकी सिंगल टिकट जो है वो मिल जाएगी। उसका जो भी कॉस्टिंग है वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको शेयर कर दूंगी, तो आप पॉज करके वो देख लेना। अब टिकट लेके चलेंगे हम अंदर। टिकट काउंटर के सामने एक बड़ा सा पार्क है, यहाँ अंदर जाते ही पता चलेगा कि ये नॉर्मल पार्क नहीं है बल्कि ये एक साइंस पार्क है। यहाँ पर बहुत अलग अलग साइंस एग्जिबिट्स है जो आप ट्राई कर सकते हो, लाइक ये ज़ाइलोफोन, बर्ड इन द केज, परसीविंग डेप्थ, मिनिमम टाइम पाथ, ऐसे काफी सारे एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हो। यहाँ हर एक एक के साइड में इंफॉर्मेटिव बोर्ड्स लगाया गया है एंड इसका इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आप वो रीड करके आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कर सकते हो एंड ऑल्सो समझ भी सकते हो। यहाँ पर अगर आपके किड्स आते हैं तो उन्हें ये मैजिकल स्विंग और ये अलग अलग साइज के जो सीसॉ वगैरह है ये देखिए काफी कुछ वेट एंड स्पीड के बारे में पता चलेगा। तो अब यहाँ से जाएंगे हम आगे मेन साइंस सेंटर की तरफ। अब मेन साइंस सेंटर जाते हैं टाइम यहाँ पर लेफ्ट में ही ओडिसी है, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। एंड ऑल्सो आपको काफी सारे ओल्ड टाइम्स के, ओल्ड मुंबई के स्टीम इंजिन एंड देन ट्राम्स वगैरह ये सब भी यहाँ पर देखने मिलेंगे। यहाँ मेन साइंस सेंटर के बाहर ही आपको बैग कलेक्ट करनी होती है एंड देन अंदर जाना होता है। अब इफ आपका पैकेज वाला टिकट है तो आपको अंदर एंटर करते ही राइट में रिसेप्शन काउंटर जो है वहां पर जाना है। रिसेप्शन में आपको वो टाइम स्लॉट्स देंगे आपके शोज के, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको आपका शो जो है वो देखना है। ये टाइम स्लॉट्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपकी बड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो ये आप एकदम ध्यान से ही देखना। मैंने आपको ये ध्यान से देखने बोला बिकॉज यहाँ पर एक फैमिली आई थी जिनका फुल पैकेज था, वो पहले ओडिसी में गए टाइम स्लॉट लेने एंड देन यहाँ पर आए टाइम स्लॉट लेने, तो यहाँ पर जो शोज थे उनका टाइम जो था वो फुल हुआ था, तो उन्हें टाइम स्लॉट जो मिला वो उनके ओडिसी टाइम स्लॉट के साथ क्लैश हो रहा था, तो ये आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए आप सबसे पहले यहाँ पर आना बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारे शोज है, वहाँ पर ओडिसी एक ही है जो आप लास्ट में कर सकते हो। एंड सबसे मेन चीज़ कि अगर आप ये सब टाइम स्लॉट्स वगैरह अवॉइड करना चाहते तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग आए जब ये ओपन होता है, दैट इज 9:30 AM को। वो टाइम पे आपको सब कुछ प्रॉपरली देखने भी मिलेगा एंड ये टाइम स्लॉट का आपका गड़बड़ भी नहीं होगा। तो ये साइंस सेंटर घूमने से पहले हम यहाँ के शोज देखेंगे जो पैकेज में इंक्लूडेड है एंड उसके बाद इसे एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले तो 3D साइंस शो, यहाँ पर हमें 3D ग्लासेस देते हैं एंड एक बहुत ही सुंदर अंडरवाटर लाइफ की मूवी दिखाते हैं एंड उसमें कुछ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन भी हमारे साथ शेयर करते हैं। ये कुछ अराउंड 15 to 20 minutes का 3D मूवी होता है जो बच्चे लोग देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। अब आफ्टर वॉचिंग 3D साइंस शो आप ये बाहर मेन साइंस सेंटर का जो एरिया है वो एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ पर काफी सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं लाइक हेड ऑन प्लेटर, देन सेंस ऑफ हियरिंग। यहाँ कुछ बटन्स दिए हैं उसे आपको प्रेस करके आपको पता चलेगा इयरिंग का सेंस। देन एक एरिया है जहाँ पर गांधी जी के बारे में इंफॉर्मेशन दी है एंड उनकी हिस्ट्री है 3D में विथ साउंड। देन और भी ऐसे कई सारे चीजें जो आप देख सकते हो, सेंस ऑफ स्मेल, ये शैडो, देन टच एंड फील, इलेक्ट्रिक करंट एंड सो ऑन। एक चीज मुझे यहाँ की बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, दैट इज ये सारे एक्टिविटीज जो है वो आपको खुद को करने मिलते हैं, ना ही सिर्फ इनकी इंफॉर्मेशन दी है।
हम ये सब देख के अब जाएंगे ऊपर साउंड एंड हियरिंग रूम में। यहाँ एंटर करते ही आपको हर जगह से सिर्फ साउंड ही साउंड सुनाई देगा एंड यहाँ हर एक टाइप का साउंड आपको सुनने मिलेगा विद उसकी इन्फॉर्मेशन। तो ये है वो जगह, आप देख सकते हो, बटन प्रेस करते ही आपको इसका साउंड जो है वो सुनाई देगा। एंड ये साउंड कैसे तैयार होते हैं, उसके वाइब्रेशन एंड ऑल, ऐसे इसके बारे में डीप इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। यहाँ पे ओपन में एक ऐसा पियानो भी रखा है जिसपे आप चल सकते हो, तो ये सभी लोगों का फेवरेट है। अब साउंड एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा यहाँ पे हियरिंग डिफेक्ट्स के बारे में भी बताया गया है एंड उसी के कुछ गेम्स भी यहाँ पर बनाया गया है। लाइक आपको कौन सा साउंड कहाँ से आया ये ठीक से सुनना है एंड वैसे बटन प्रेस करना होता है। और ऐसे काफी सारे साउंड एंड हियरिंग की क्विज एंड एक्टिविटीज हैं यहाँ पर जो आप कर सकते हो। अब इसके बाद ऐसे ही यहाँ नेहरू साइंस सेंटर में साइंस एंड हिस्ट्री दोनों बताई गई है। यहाँ पर और भी एग्जिबिट्स है लाइक इंडियाज अचीवमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन प्री हिस्टोरिक लाइफ बताई गई है, ओरिजिन ऑफ लाइफ बताई है एंड उसी में एक रूम है फुल ऑफ मिरर्स का, जहाँ मिरर्स है अलग अलग टाइप के और हर मिरर से क्या कुछ अलग दिख सकता है ये यहाँ पर बताया गया है। लाइक कुछ मिरर्स ऐसे है जिसमें आप थिक और थिन दिखते हो, देन 10 फेस वाला मिरर है, टाइप ऑफ मिरर्स है कि कैसे कैसे टाइप के मिरर्स होते हैं, नेवर एंडिंग ट्रेन एंड वेल है, तो ऐसे कई सारे अलग अलग मिरर्स आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। अब ये सब देख के जाएंगे हमारे सेकेंड शो की तरफ, दैट इज SOS एंड इसका फुल फॉर्म है साइंस ऑन द स्फीयर। यहाँ एंट्री टिकट दिखाते ही अंदर भेजते हैं, अंदर स्पीयर है बीच में जिसके चारों साइड से प्रोजेक्टर एंड सिटिंग एरिया है। यहाँ पर अंदर कुछ अराउंड 20-30 मिनट्स का शो होता है अबाउट स्टार्स एंड गैलेक्सीज एंड वो भी स्पीयर पर, विच इज वेरी अमेजिंग। ये जो शो था साइंस ऑन स्पीयर, ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा एंड यही पर मुझे सबसे ज्यादा मजा भी आया। यहाँ पर मुझे काफी कुछ सीखने भी मिला, कुछ ऐसी चीजें पता चली जो मुझे नहीं पता थी। तो मैं तो रेकमेंड करूंगी कि अगर आप बड़े छोटे जो भी हो, आप यहाँ पर एक बार जरूर आना। अब इसी के सामने हॉल ऑफ एविएशन स्पेस, जहाँ इसरो के बारे में बहुत सारी इन्फो बताई गई है, स्पेस सूट्स रखा है, देन इंजिन्स रखे हैं, हिस्ट्री शेयर की है कि कैसे वो साइकिल से फर्स्ट इंजिन लेके आए, देन और ऐसे कई सारी चीजें हैं रिलेटेड टू दिस, तो वो आप बाकी यहाँ पे देख सकते हो। अब जिन्हें एविएशन एंड स्पेस में इंटरेस्ट है वो तो यहाँ पर जरूर आना, आपको ये पूरा एरिया जो है वो काफी ज्यादा पसंद आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर और दो एक्टिविटीज है, दैट इज ओडिसी एंड सिमुलेटर, ये दोनों हमारे पैकेज में इंक्लूडेड नहीं थे, तो आप इसका टिकट जो है वो रिसेप्शन काउंटर से ले सकते हो। सिमुलेटर में एक मशीन डिजाइन किया है जिसमें आपको बैठ के व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट का जो एक्सपीरियंस जो है वो आपको देखने मिलता है, उसके कंट्रोल्स वगैरह आपको देखने मिलते हैं एंड वो आप फील भी कर सकते हो। वहाँ पर अंदर बैठ के आपको एक इफेक्ट आएगा कि आप जैसे कि आप एक रफ रोड पर वगैरह ड्राइव वगैरह कर रहे हो, यहाँ पर अंदर आपको बहुत ही एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। अब यहाँ पर लास्ट एक्टिविटी है, दैट इज साइंस ओडिसी। यहाँ पर अंदर आपको फिल्म दिखाया जाता है, कुछ 40 मिनट्स का होता है एंड 50 विजिटर्स होने के बाद ही वो स्टार्ट होता है। ऑल्सो यहाँ पर अलग अलग टाइम स्लॉट्स है, तो वो आप प्रॉपरली टाइम स्लॉट्स पे ही जाना। लास्ट शो कुछ अराउंड 5:30 का होता है, तो ये ध्यान में रखना, आप उससे पहले जाके ये मूवी जो है वो देख सकते हो। अब आफ्टर वॉचिंग दिस होल मेन साइंस सेंटर, यहाँ पर मेन साइंस सेंटर के अंदर ही कैंटीन है जहाँ पर थाली वगैरह मिलती है एंड ऑल्सो वॉशरूम भी है, तो अगर आपको भूख लगी होगी तो आप यहाँ पर आके खा सकते हो। एंड इफ अगर आपने अगर खुद का फूड जो है वो कैरी किया है तो वो आपको बाहर जो सिटिंग एरिया बनाया है जहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल भी है, तो वहाँ पर आप बैठ के वो अपना खुद का फूड खा सकते हो। सो गाइज ये था नेहरू साइंस सेंटर, मुझे तो यहाँ पर अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, अलग अलग एग्जिबिट्स देखने, देन एक्टिविटीज़ करने, साइंस एक्सपेरिमेंट्स करने में एंड काफ़ी कुछ मुझे सीखने भी मिला। तो अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हो तो ज़रूर आए, ये सारे एज ग्रुप के लिए है, यहाँ पर बड़ों से लेकर छोटे कोई भी आ सकते हैं, आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें जो है वो पता चल जाएगी यहाँ पर आके। इसे पूरा घूमने में 3-4 आवर्स आराम से जाते, तो आप प्रॉपर शूज़ वगैरह यहाँ पर पहन के आना। एंड ऑल्सो गाइज अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, किड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। बाय दैट टाइम कीप ट्रैवलिंग विद तेजस्वी।